लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी कंपनी के अफेयर्स को सक्सेसफुली रेगुलेट नहीं किया जा सका रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए और कंपनी की गवर्नेंस को करप्शन फ्री और और बेहतर बनाने के लिए एक नया एक्ट पास किया गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जिनके नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था वो थे विलियम पिट के बेटे विलियम पिट द यंगर विलियम पिट द यंगर बिकेम यंगेस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वो सिर्फ चौबीस साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे विलियम पिट द यंगर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर चेंजेस लाना चाहते थे और करप्शन को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया था इस एक्ट को पास करने का एक और रीज़न ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अब कंपनी के पब्लिक अफ़ेयर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर एक सुपरविजन इम्पोज करना चाहते थे ऑल दो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी वो इस कोशिश में सक्सेसफुल नहीं हो पाए इसीलिए उन्होंने सोचा पिट्स इंडिया एक्ट से वो इसी कोशिश को हकीकत में बदलेंगे विलियम पिट अपने काम के लिए जाने जाते थे और उनका एक ही मकसद था कंपनी के पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर चेंजेस लाना। पिट्स इंडिया एक्ट इसी कंपनी के पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में लाए गए बेहतर चेंजेस के बारे में बात करता है पर क्या थे वो चेंजेस चलिए देखते हैं एक डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें दो नई अथॉरिटीज को इस्टबलिश किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके साथ एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी थी जो था गवर्नर जनरल्स काउंसिल सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या था यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दूसरा नाम था बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में छः लोग थे पहला था चांसलर ऑफ एक्सचेकर जिसे सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस भी कह सकते हैं जिसका फंक्शन ये था कि वो कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजंस लेगा दूसरा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे प्रेसिडेंट भी कहते थे उसका फंक्शन था कि वो डिफेंस मिलिट्री और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेगा और उसे कंट्रोल करेगा बाकी चार ब्रिटिश पार्लियामेंट से नॉमिनेट किए गए प्रिवी काउंसिलर्स थे तो जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से ही हमें समझ में आता है कि अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप को सिलेक्ट किया जा रहा है तो इसमें वही लोग थे जो कंपनी के किसी ना किसी अफेयर्स को किसी ना किसी काम को किसी सेक्टर को कंट्रोल करेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया था जिससे वो कंपनी के फाइनेंशियल डिफेंस मिलिट्री और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सुपरविजन और कंट्रोल कर सकते थे दूसरी अथॉरिटी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे और कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को हैंडल करते थे कंपनी के शेयर होल्डर्स में से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता था पिट्स इंडिया एक्ट का दूसरा मेजर चेंज ये था कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने वाले एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कम कर दी गई थी जैसा कि हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था जिसमें चार मेंबर्स थे अब पिट्स इंडिया एक्ट में इस चार मेंबर्स की स्ट्रेंथ को तीन कर दिया गया अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो अब इस स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के साथ ही साथ गवर्नर जनरल को एडिशनल पावर्स दी गई थी क्या था वो पावर वीटो पावर एक एक्स्ट्रा वोट देने का पावर गवर्नर जनरल को दिया गया था यानी अगर उन तीन मेंबर्स और गवर्नर जनरल के डिसीजंस में टाई हो जाता है तो गवर्नर जनरल अपना एक एक्स्ट्रा वोट कास्ट कर कर डिसीजन ले सकता है इस एक्ट में गवर्नर जनरल को एडिशनल पावर्स देने के पीछे का लॉजिक ये था कि इवन दो पिछले एक्ट में गवर्नर जनरल को हेड बनाया गया था वो डिसीजन मेकिंग में फेल हो रहा था क्योंकि कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था इसीलिए उसकी पोजीशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसे एडिशनल पावर्स के तौर पर वीटो पावर दिया गया और काउंसिल की स्ट्रेंथ को भी कम किया गया ताकि गवर्नर जनरल डिसीजन मेकिंग कर सके तो अगर गवर्नर जनरल और बाकी तीन मेंबर्स के डिसीजन में टाई हो जाता है तो गवर्नर जनरल अपने वीटो पावर का यूज़ करके एक एक्स्ट्रा वोट कास्ट कर सकता है और डिसीजन ले सकता है कंपनी के अफेयर्स को सुपरवाइज मॉनिटर और फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक सीक्रेट कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई थी इस सीक्रेट कमेटी में तीन डायरेक्टर्स थे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ऑर्डर लेते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने यह सीक्रेट कमेटी इसीलिए बनाई थी ताकि वो कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली बट सीक्रेटली कंट्रोल कर सके सीक्रेट कमेटी बनाने का एक और मकसद ये था कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए जिसमें कंपनी के शिप्स वॉइज गुड्स या ट्रेड को खतरा हो तो सीक्रेट कमेटी सीक्रेटली ऑपरेट करके उसे सेफ कर सके इस एक्ट का एक एडवांटेज ये था कि एक क्लियर हायरार्की ऑफ कमांड बना दिया गया था सबसे ऊपर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके अंडर आता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और उसके अंडर गवर्नर जनरल करप्शन को हटाने के लिए एक मेजर चेंज ये लाया गया था कि सारे सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को एक ऑर्डर दिया गया था जिसके अंतर्गत उन्हें अपनी पोस्ट ज्वाइन करने के दो महीने के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक इन्वेंट्री देनी थी इस इन्वेंट्री में उन्हें डिस्क्लोज करना था कि वो इंडिया में और ब्रिटेन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं इसके बाद अगर वो करप्शन करते तो उन्हें सीवियर पनिशमेंट दी जाती विलियम पिट के नाम पर रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट साबित हुआ कि 1858 तक उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए उसी के इम्प्लीमेंटेशन्स को कंटिन्यू किया गया लेकिन क्या पिट्स इंडिया एक्ट इतना इफेक्टिव था तो आंसर है नहीं इवन दो पिट्स इंडिया एक्ट ने रेगुलेटिंग एक्ट के कई सारे फॉल्ट्स और डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई किया पिट्स इंडिया एक्ट की वजह से कई सारे नए डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए इनमें से एक था गवर्नर जनरल का पावर रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल के पास इतने वाइड पावर्स नहीं थे जिसके वजह से वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था पिट्स इंडिया एक्ट में उसे एडिशनल पावर्स दिए गए जिसके वजह से एक नया डिफेक्ट क्रिएट हो गया अब गवर्नर जनरल के पावर्स इतने वाइड पावर्स आ गए थे कि वो उसे अपनी मर्जी से एक्सप्लॉयट कर सकता था इस गवर्नर जनरल के वाइड पावर्स के एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लॉर्ड कॉन जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे इस एक्ट ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस तो एस्टेब्लिश किया था लेकिन कंपनी और गवर्नमेंट के पावर्स के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं थी अब गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने के लिए दो मास्टर्स थे एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल दूसरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसके वजह से दोनों के क्लैश होने पर गवर्नर जनरल के पास एबिलिटी आ जाती थी कि वो अपने डिसीजन ले सके फिट इंडिया एक्ट के डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट पास किया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन क्लिक द थम्स अप एंड लेट अस नो योर फीडबैक